मुझे अपनी मंजिल से फुर्सत नहीं, मुझे अपनी मंजिल से फुर्सत नहीं और लोग कहते हैं मैं फुकरा हूँ। मुझे अपनी मंजिल से फुर्सत नहीं। जैसे वहाँ पर लोग आए हो आप अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना, जैसा कि आपने प्रीव्यू में देख लिया होगा। आज हम अभी ऐसे ही कलर ग्रेडिंग का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ मैं। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चले आना है अपने एलाइट मोशन में। एलाइट मोशन को थोड़ा सा लोडिंग हो जाने के बाद आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। आपको ये सेलेक्ट कर लेना है कौन सा चाहिए आपको। मैंने ये सेलेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको करके दिखा रहा हूँ। फिर आप क्लिक करना है प्लस वाला आइकन। आपकी जो वीडियो ले लेनी है जिसमें आपको कलर ग्रेडिंग करना है, मैं अभी ले लेता हूँ। चलो मैं ये वाली ले लेता हूँ। फिर आपको प्लस वाला आइकन पर दबाना है, ये स्क्वायर शेप को सेलेक्ट करना है। इसका कलर को आपको ग्रीन कर लेना है। फिर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फील कंप्रेशन एरिया पर क्लिक करना है, ये से हो जाएगा। फिर आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है, सर्च करना है। फिर सर्च में जाकर COPY कॉपी कॉपी बैकग्राउंड को ले लेना है। स्टैंडर्ड सेटिंग में आपको जितने भी इफेक्ट लेने हैं सारे स्टैंडर्ड सेटिंग में ले लेने हैं। फिर आपको दोबारा एक और इफेक्ट लेना है INV, ये इन्वर्ट आ जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग में इसे भी ले लेंगे। फिर आपको प्लस आइकन पर दोबारा दबाना है। फिर आपको सर्च करना है गॉसियन ब्लर, GAU या आगे गॉसियन ब्लर, इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग में ले लेना है। इसको आपको ऐसे इसकी बढ़ानी है, अभी कर लेता हूँ 1.20 के समथिंग रखना है। चलो मैंने 1.20 रख लिया इसे। फिर थोड़ा बैक करना है, फिर ब्लेंडिंग में क्लिक करना है, फिर आपको कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करना है और इसको ओवरले कर देना है। ओवरले हो जाए, इतना हो जाने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, इसको खींच कर लास्ट तक ले जाना, ऐसे खींच कर ये आ गया लास्ट तक। फिर आपको फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, फिर से स्क्वायर शेप को लेना है, इसका कलर ग्रीन ही कर लेना है। फिर आपको इसको दोबारा से फील कंप्रेशन एरिया पर क्लिक करना है थ्री डॉट के बाद। फिर इफेक्ट ऐड करने हैं इसमें। फर्स्ट वाला इफेक्ट है कॉपी बैकग्राउंड वाला ले लेना है। फिर इसको नीचे करना है ऐसे, फिर प्लस वाला आइकन पर दोबारा क्लिक करना है। फिर आपको सर्च करना है CH चिनल रिमैप RGB वाला करना है स्टैंडर्ड सेटिंग में। फिर आपको इस पर क्लिक करना है। ये थर्ड रो में भी की जगह जी कर देना है, ये देखो इतना सी करना है बस इसमें। फिर आपको दोबारा प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, इफेक्ट लेना है क्योंकि एक और। फिर आपको सेलेक्ट करना है ST सेचुरेशन एंड वाइब्रेशन, इसको क्लिक कर लेना है, स्टैंडर्ड सेटिंग ले लेना है इसे। इस पर क्लिक करना है, सेचुरेशन को कर लेना है आपको 100% और वाइब्रेशन करना है 1.30, हाँ 1.30 रखना है, 31 हो गया। चलो इतना कर लेना है। फिर आपको इसकी भी यहाँ तक लास्ट तक कर देना है ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर दोबारा प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, स्क्वायर शेप को दोबारा लेना है, इसके कलर को ग्रीन ही कर लेना है दोबारा। फिर इसको फील कंप्रेशन एरिया पर दोबारा क्लिक करना है, इफेक्ट ऐड करो इसमें। मैं कॉपी वाला ही सिलेक्ट करना है फर्स्ट में, तो आपको कोई से ये लो कॉपी वाला हो गया। फिर आपको प्लस वाला आइकन पर दोबारा क्लिक करना है। फिर आपको सर्च करना है चेनियल CHA चेनल में RGB ये वाला सेलेक्ट करना है दोबारा, स्टैंडर्ड सेटिंग में ले लेना है इसे। फिर आपको देखना है सेकेंड रो में जी की जगह वाई कर देना है, ये थोड़ा और शानदार आ जाएगा। इसको ऐसे कर देना है, फिर तीसरा इफेक्ट में इसमें आपको ऐड करना है हाईलाइट HIG हाईलाइट एंड शेडो हाईलाइट एंड शेडो वाला ले लेना है। फिर आपको
हाईलाइट को कर लेना है 150 तक। अभी करता हूँ, ये हो गया 150। और शेडो कर देनी है आपको 15%। सॉरी मैंने 50 बोल दिया, 15 कर लेना है। फिर इतना हो जाने के बाद इसको भी आपको लास्ट तक ड्रैग कर देना है। फिर प्लस वाला आइकन पर दोबारा क्लिक करना है, स्क्वायर शेप को ले लेना है। आपको दिखने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, पर एक दो बार करोगे आपको बिल्कुल ईजी लगने लग जाएगा। ग्रीन कलर को दोबारा सेलेक्ट करना है, फिर फील कंप्रेशन एरिया पर दोबारा क्लिक करना है, फिर इफेक्ट ऐड करना है, इसमें सर्च करना है कॉपी बैकग्राउंड ले लेना है स्टैंडर्ड सेटिंग में दोबारा। फिर इसको सर्च करना है EXP एक्सप्लोजर एंड गामा, सर्च करना है स्टैंडर्ड सेटिंग में। एक्सप्लोजर को कर देना है आपको 0.23। अभी कर देता हूँ मैं, ये हो गया। और गामा को करना है आपको माइनस में 700 समथिंग रखना है आपको, जितना अच्छा लगे। 760 कर लिया चलो मैंने, ठीक है इतना। फिर आपको इसको दोबारा ड्रैग कर लेना है यहाँ तक, लास्ट तक ले जाना है। और यहाँ आपका कलर ग्रेडिंग बनकर तैयार हो चुका है। फिर सिंपली आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। चलो मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलो मिलते हैं किसी और टॉपिक पे।